बहार का हो जाना आदमी के गुनाहों की धुल जाने की निशानी है। बेनाई का कम हो जाना सीधे रास्ते पर जाने की निशानी होती है। ज़्यादा खुशियों का मिल जाना अल्लाह से दूर हो जाने की निशानी है। ज़्यादा दौलत का मिल जाना आहरत के तबाह हो जाने की निशानी है। किसी चाहने वाले का मिल जाना ईमान की मजबूती की निशानी है। अच्छे दोस्त का मिल जाना अल्लाह की रहमत के आने की निशानी है। दांत का शदीद दर्द उठना अल्लाह के राज़ी हो जाने की निशानी है। मर्द का औरतों जैसा रूप धार लेना क़यामत के आने की निशानी है। बीवी का शोहर से काम करवाना बीवी के जहन्नमी होने की निशानी है। मेहमान के आने पर मुंह बना लेना अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। इबादत में दिल लगना अल्लाह को पसंद आ जाने की निशानी में से है। रोज़े में भूल कर कुछ खा लेना अल्लाह की तरफ से खिलाने की निशानी है। लाइलाज बीमारी का मर्ज लगना गुनाहों के कुफारे की निशानी है। कांटे का चुभ जाना एक गुनाह कम होने की निशानी है। सादा लिबास पहनना बंदे के पुर खलूस होने की निशानी है। जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए अल्लाह के वली की निशानी है। मस्जिद में अजान का दो बार आना अल्लाह के वली के आने की निशानी है। औरत का पर्दा ना करना अल्लाह ताला के नाराज़ होने की निशानी है। मर्द का दुनिया से दिल लगाना अल्लाह के नाराज़ हो जाने की निशानी है। वालदैन पर प्यार आना अल्लाह ताला के राज़ी हो जाने की निशानी है। मोमन का झूठ बोलना अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। बुज़ुर्गों की महफ़िल से उठ जाना मुसीबत और मुश्किलों को दावत देना है। बीवी का शोहर से बदसलूकी करना अल्लाह के गज़ब को दावत देने की निशानी है। अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो उसे आजमाने के लिए मुश्किलों में डाल देता है। साहिल का दो बार दरवाजे पर आना रिज़्क़ के आने की निशानी होती है। शोहर से बदकलामी करना जहन्नमी औरत की वाज़ेह निशानी है। जब सजदा लंबा हो जाए तो समझ जाओ अल्लाह राज़ी हो गया।